हैदराबाद में महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या की घटना से पूरे देश सदमे में है। दिल्ली में भी आज कई स्थानों पर छात्रों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। अनु दुबे नाम की एक छात्रा को इसी मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन करने पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हिरासत में ले लिया गया। छात्रा का आरोप है कि उसे 4 घंटे से अधिक वक्त तक पुलिस स्टेशन में रखा गया। इस घटना पर दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। छात्रा को 4 घंटे हिरासत में रखने का आरोप अनु दुबे नाम की छात्रा पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने हैदराबाद की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। छात्रा का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस बर्बर घटना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करना चाह रही थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और 4 घंटे से अधिक समय तक पुलिस स्टेशन में ही रखा। छात्र को अब पुलिस ने रिहा कर दिया है। मीडिया से बात करने के दौरान अनु काफी भावुक नजर आ रही थी। प्रदर्शनकारी छात्रा अनु दुबे ने बात करते हुए पुलिस की बदसलूकी का दावा किया। मैंने कई बार बता चुका है, मैं वापस बता रही हूँ, मैं एक आम नागरिक होने के अकॉर्डिंग मैं अपने राइट्स चाहती हूँ। खुल के रहना, कोई छेड़े ना, बता दें कि हैदराबाद की महिला डॉक्टर के साथ 4 लोगों ने मदद के बहाने गैंग रेप किया। रेप के बाद बर्बरता के साथ उसके शव को भी जला दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। महिला डॉक्टर के न्याय के लिए फिल्म और खेल जगत की चर्चित हस्तियों ने भी न्याय की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी पीड़िता के न्याय के लिए संदेशों की बाढ़ है। दिल्ली से दीपक सिंह की रिपोर्ट।